सबसे पहले मैं आदरणीय हमारे महंत जी और महात्मा गण उनका धन्यवाद करता हूँ कि हमेशा की तरह 27 साल पहले जो हमने शुरुआत की थी हमारे डुग्गर प्रदेश के महान तीर्थ स्थान परमंडलोत्तर भैनी माँ देविका वहाँ पर गुप्त गंगा बहती है उनको याद करके उनके चरणों में प्रार्थना करके उनका ही स्वरूप छड़ी यात्रा हमने शुरू की थी और ये 27वां साल है। इस दफा जिस तरीके से भव्य रथ में यहाँ से चलती थी पूजा अर्चना के बाद वैसा तो नहीं हो पाया क्योंकि जो आपदा इस वक्त आई हुई है पूरी दुनिया पर उसको देखते हुए तो हमने बिल्कुल जैसे गवर्नमेंट की उनका SOP को फॉलो करते हुए उसी ढंग से हमने यहाँ सबको प्रार्थना की है कि कोई जुलूस की शक्ल में नहीं दूर अपना फासला भी रखें सैनिटाइज़र का इस्तेमाल भी करें और पूरा परहेज करें ताकि हमें भी ना हो और हमारी वजह से किसी को भी ना हो। भगवान शिव हम पर कृपा बनाए रखें जैसे उनकी कृपा है जैसे उनका आदेश है वैसे ही समाज चलेगा। ये शायद उन्हीं का आदेश है और उन्हीं से प्रार्थना है कि इस आपदा को वो ख़त्म करें। तो अब इसके बाद सारे यहाँ मंदिरों में आप देख रहे हैं पूरे कम्प्लेक्स के अंदर यहाँ प्रणाम करने के बाद छड़ियों को भी वहाँ इन सब मंदिरों में हम ले जाएंगे और वहाँ मत्था टेकने के बाद बिल्कुल जीप में द्वारा नहीं चलेगा जीप में जिस तरीके से छड़ियाँ आई हैं इस तरीके से प्रस्थान करेंगी। सबसे पहले महादेव मंदिर वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं वहाँ पर स्वागत होगा छड़ियों का। उसके बाद त्रिपटा नगर शिव मंदिर फिर गेटर क्लास शिव मंदिर और फिर दाता रणपत देव वीरपुर नरसिंह देव जी मंदिर वीरपुर और मंडल खड़ाम राणा फिर मंडल और फिर मंडल ये छड़ियाँ जो हैं वहाँ पहुँचेंगी। पूज्य हमारे महंत जी महंत ऋषि बन जी इनकी अध्यक्षता में ये सारा कार्यक्रम चलता है वहाँ जिस तरीके से वो आगे व्यवस्था बनाई हुई धर्मर्थ की तरफ से उसके मुताबिक वहाँ पर आएगी। इस दफा जो बहुत बड़ा मेला होता था वो नहीं है जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारी मीटिंग हुई ये मैं इसलिए बातें कह रहा हूँ कि ये बातें ये मैसेज ये संदेश चला जाए कि हम बिल्कुल विधिवत तरीके से ये छड़ी यात्रा 27 साल पहले ये शुरू की थी 27वीं छड़ी यात्रा हम चला रहे हैं लेकिन जिस तरीके से जुलूस और यहाँ सारे श्रद्धालुओं को बुलाया जाता था इस दफा हमने उनको नहीं बुलाया है